हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है, टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि NMDC जो है अपनी रेगुलर रिक्रूटमेंट निकालता रहता है। NMDC लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है, नवरत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर यहाँ पर फंक्शन करता है, और माइनिंग एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन के फील्ड में काफ़ी बड़ा इनका रोल रहता है। यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली है, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की वैकेंसीज निकाली है, जिसमें कमर्शियल विंग में 4, इन्वायरमेंट विंग में 1, यहाँ पे जीओ एंड क्यूसी में 3, माइनिंग में 56, सर्वे में 9, केमिकल 4, सिविल 9, इलेक्ट्रिकल 44, IE 3 एंड मैकेनिकल में 20 वैकेंसीज इन्होंने अवेलेबल करवाई है। यहाँ पे कमर्शियल वाला जो है, इसमें डिग्री इन इंजीनियरिंग के साथ साथ MBA मांगा है, तो ये उन बच्चों के लिए है। यहाँ पे जो डिप्लोमा कर रखे हैं मार्केटिंग, फॉरन ट्रेड, सेल्स, इन सब में, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। बट अगर हम बात करें इन्वायरमेंट वाली विंग में, तो डिग्री इन सिविल, केमिकल, माइनिंग, इन्वायरमेंटल में अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो यहाँ पे इनमें से किसी में भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। अदरवाइज और लिखा हुआ है, मतलब कि इनके अलावा भी अगर आपके पास इनमें से कुछ डिग्री है तब भी आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर सेम अगर हम बात करें गाइस, माइनिंग वाली जो वैकेंसीज है, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग मांगा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। बट यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस की भी डिमांड यहाँ पर रखी है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए मेंशन किया है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कि ग्रेजुएशन वालों को यहाँ पर एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। नेक्स्ट जो है वो सर्वे की आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसमें भी माइनिंग और माइंस एंड माइन सर्वेइंग में अगर आपका डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ पर केमिकल की जो वैकेंसीज अवेलेबल है, डिग्री अगर आपका केमिकल में है तो आप फिल कर सकते हो, कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पर नीड नहीं है। सिविल में अगर आपका डिप्लोमा है या डिग्री है तो डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है, डिग्री वाले भी एलिजिबल है, बट जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपीरियंस मांगा है। क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली उनको यहाँ पर इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका है यहाँ पर, तो या फिर आपका डिग्री इन है तब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में तब आप एलिजिबल हो। डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा है, डिग्री वालों को कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी सेम है, यहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिग्री है विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में भी अगर आपके पास डिप्लोमा है तब भी अप्लाई कर सकते हो, डिग्री है तब भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस की जरूरत है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 32 ईयर इन्होंने रखी है। अपर एज लिमिट जो है उसमें 5 ईयर का यहाँ पर रिलेक्शन दिया फॉर SC ST और 3 ईयर का रिलेक्शन दिया फॉर OBC। स्टाइपेंड के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो जूनियर ऑफिसर ट्रेनी जो है इसमें जितने भी आपकी वैकेंसीज अवेलेबल है, डिग्री होल्डर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड 12 मंथ का रहेगा, डिप्लोमा होल्डर्स का 18 मंथ का रहेगा। फर्स्ट 12 मंथ में अगर आप बात करो तो यहाँ पर आपको 37,000 यहाँ पर आपको सबको मिलने वाला है, डिग्री वालों को भी, डिप्लोमा वालों की भी। और जो रिमाइनिंग 6 पीरियड है उसमें डेफिनेटली ये जो डिग्री वाले होंगे वो डायरेक्टली पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, और जो डिप्लोमा वाले होंगे उनका स्टिल वो चलेगा, ठीक है, 6 मंथ और जब उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। आफ्टर दैट आप 37,000 से लेकर 1,30,000 की सैलरी स्लैब में पहुंच जाएंगे। इसमें कैटेगरी वाइज भी बता रखा है कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, तो अगर आप अपनी कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है NMDC की, यहाँ पर आपको विजिट करना होगा। 2110 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 10/11/2024 से पहले आपको अप्लाई करना है। इनकी ऑफिशियल मेल ID वगैरह भी दी हुई है, इनके से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 250 रुपीज़ है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपीज़ यहाँ पर पे करने होंगे। जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उनको यहाँ पर फीस से एग्जाम्प्टेड किया गया, ये भी मेंशन किया हुआ है गाइज। इसके अलावा अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट होगा CBT बेस्ड, इसमें 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है। उसके अलावा फिर आपका स्किल टेस्ट, जो स्किल से रिलेटेड जो है उनके क्वालिफाई इन नेचर होता है, जिसमें आपका टोटल 100 मार्क्स बनेगा, इसी से आपको फिर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। MCQ टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, और लैंग्वेज जो है वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको यहाँ पर आगे प्रोसीड किया जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दे रखी है, तो गाइस ये जो कंप्लीट PDF है ये मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी टेलीग्राम चैनल पर इसके रिलेटेड कोई PYQ वगैरह अवेलेबल है, इसका डिटेल सिलेबस अगर आएगा तो वो सारी की सारी जो अदर इन्फॉर्मेशन भी आएगी वो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां से सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी गाइस, क्या आपको इस तरीके के और भी नोटिफिकेशन, करियर ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।